समय समय पर पुलिस के द्वारा ये अभियान चलाया जाता है, पूर्व में भी चलाया गया था और अभी भी पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जो है एंटीवायरस के नाम से जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो CEIR पोर्टल पर जो मोबाइल गुम हो जाते हैं उनकी गुमशुदगी को तलाश करने के लिए इसमें प्रयास किए जाते हैं। इस सिलसिले में मेरे द्वारा मेरे निर्देशन में एडिशनल SP सिटी दुर्ग सिंह व एडिशनल SP रूरल दीपक शर्मा व उनके थानों की टीम व साइबर टीम दुर्गेश के नेतृत्व में मिलकर ये सभी जो पोर्टल से जो मोबाइल गुमशुदगी जिनकी दर्ज होती है उनको ट्रेस आउट करना, जिस पर पूर्व में इसी साल 472 एक बार मोबाइल बरामद किए गए, दूसरा मेरे टाइम में जो है 176 मोबाइल बरामद कर वापस लौटाए गए और अब जो है 169 मोबाइल आपके सामने हैं, जो ये जो लोगों के गुम हुए हैं उनके एड्रेस लिखे हुए हैं उनको बुलाकर उनको ये मोबाइल सपोर्ट किए जाएंगे। ये जरूरी भी है क्योंकि आज के युग में इसे मोबाइल कह लें, लैपटॉप कह लें, डाटा बैंक कह लें, कुछ भी कह लें, सब सूचनाएं इसके अंदर रहती हैं, तो व्यक्ति का अगर मोबाइल गुम हो जाता है तो उसकी लगभग वो हैंडीकैप हो जाता है, तो उसकी सूचनाएं सारी इसके अंदर रहती हैं। तो हमारे पास कई बार आते हैं कि साहब बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, मोबाइल मिल जाए उसमें हमारे डाटा है, तो ये बड़ी समस्या आती है। तो इस भावना के तहत देखते हुए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी हो और मोबाइल्स के जो है प्रयास करके कुछ समय में, क्योंकि कुछ समय पहले ही आपको जो है 176 मोबाइल की मैंने जो है यहाँ पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अब ये 169 है मोबाइल, जो इनके जो कुछ मालिक भी आए हुए हैं जिनको मैं हैंड ओवर भी करूँगा, और एक अच्छा प्रयास रहा है और ये एक पब्लिक में पुलिस का एक अच्छा मैसेज आता है पॉजिटिविटी के साथ कि पुलिस ये काम भी इंटरेस्ट से करती है और एक उसकी मजबूरी को या उसकी जो परेशानी है उसको समझती है। यही मैं आपको कीमत जो है ये टोटल मोबाइल है 169 और इनकी लगभग 57 लाख के आसपास अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, जो कंपनी के हिसाब से जो ये मोबाइल होते हैं उस मोबाइल की रेट लिस्ट के हिसाब से। तो ये सब सारे मोबाइल जो हैं खोए हुए हैं चोरी? नहीं नहीं, सारे गुमशुदगी वाले CEIR पोर्टल पर इनकी जो है दर्ज होती है और इसको बरामद करने के लिए एक ऑपरेशन मुख्यालय द्वारा एंटीवायरस चलाया गया था, उस अभियान के तहत ये और रिकवरी किए गए हैं, इसलिए आपको पहले मोबाइल मिले थे तो लगभग 4-4 साल पुराने मोबाइल मिले थे, इसमें भी कोई ऐसा कुछ है कि मोबाइल वगैरह भी इतने सालों पुराने हैं? इसमें तो लगभग अब सारे करंट वाले ही हैं क्योंकि जो पहले पुराने मोबाइल थे वो तो आपके सामने 472 जो हैं वो एक बार बरामद हो चुके, उसमें काफी पुराने मोबाइल भी थे और ज्यादा पुराना मोबाइल तो मेरे हिसाब से यूज भी नहीं रहता, सॉफ्टवेयर आउटडेट हो जाता है, टूट फूट भी हो जाती है, चोरी के उसमें जो है मार्केट में ग्रे मार्केट में निकल जाता है, पुर्जों में निकल जाता है, कई चीजें ऐसी हैं, बट ये लेटेस्ट प्रयास के बाद ये आपके सामने बरामदगी रखी गई। देखिए जंगल में पड़ा तो मिल नहीं सकता है, तो किसी न किसी आदमी के पास ही वो संपत्ति, क्योंकि कहीं किसी को मिल गई अगले ने लौटाई नहीं, तो क्योंकि हमारे को जब हम ट्रैक डाउन करते हैं उस ट्रैक डाउन में किसी न किसी आदमी तक पहुंचते हैं तो वो मोबाइल वहां से रिकवरी होती है। देखो चोरी का मुकदमा होता तो एक अलग धारा लगती, गुमशुदगी दर्ज हुई है, गुमशुदगी में तो केवल चीज गुम हुई है और गुम चीज को हमने बरामद किया है। नहीं, उनसे कहीं ना कहीं अंडरटेकिंग हम लेते ही हैं कि भी ये जो है अगर कल को कोई बात होती है तो इसमें कोई भी कार्रवाई होगी तो आपके खिलाफ की जाएगी। ये तो ओवरऑल जो है क्योंकि मोबाइल कई जगह से हमें, क्योंकि जैसे संपर्क में आता है हमारे, जैसे हम उसको तो अगला कहता है मैं इस जगह आया हूँ, आया हुआ है तो भैया मोबाइल इस तरह गुम हुआ है और आपके पास किस रूप से आया है तो आप इसको वापस भिजवाएं, तो मोबाइल इस तरह हमारे पास वापस आया हुआ है। नहीं, अजमेर से बाहर के भी हैं, अब तो इंडिया इज लिमिट, कहीं भी जा सकता है आदमी, तो जिसको दरगाह में हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं और वो कहीं भी आ सकता है जा सकता है।